मार्गशीर महीना का चार गुरुवार को ओडिया घर में घर घर में लक्ष्मी जी की पूजा के रूप में पालन किया जाता है। इस दिन में घर के चारों तरफ मतलब हर द्वार के सामने इस तरह का चावल का चीता डाला जाता है, मुख्य द्वार में, घर घर के द्वार में और आंगन में हर जगह इस तरह चावल पीसकर उसका अल्पना डाला जाता है। कोई इसे संक्रांति से, संक्रांति जो चार गुरुवार होता है उसमें करते हैं, या तो कोई कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा जो बीच में चार गुरुवार आता है उसमें करते हैं, और लास्ट जो गुरुवार होता है उसमें लक्ष्मी जी का मेन पूजा होता है। वो बहुत ही बड़ा मान्यता है ओडिया घर में, वो पूजा मेरे ससुराल में होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल गुरुवार में जो पूजा करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुवार का पहले दिन रात को ही चावल पीसकर अल्पना हर जगह डाल दिया जाता है, और गुरुवार को सवेरे भोर में उठकर नहा धो के उसमें फूल, दिया, अगरबत्ती ये सब देके पूजा किया जाता है। और अब मैं वो पूजा करके अब निकल रही हूँ मंदिर। मंदिर हमारा घर से बहुत ही पास है, हमारी कॉलोनी में जो मंदिर है वही मंदिर में मैं आई हूँ। पास में ही है मंदिर, बहुत ही पास में है, तो मैं पैदल चल के आई हूँ। साइमन तो सोया है, अभी तक उठा नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले आई हूँ। दिखाती हूँ आपको, मंदिर के पास पहुँच गई, 2-3 मिनट का ही रास्ता है, दिखाती हूँ आपको। जब मैं मंदिर में पहुँची, मंदिर लॉक था, पता नहीं क्यों पुजारी जी नहीं आए हैं पूजा करने के लिए, या फिर पूजा करके चले गए। वैसे तो मैं 7 बजे के बाद ही आई थी, अब कोरोना के वजह से शायद ऐसा है, पता नहीं जो भी है, लेकिन मंदिर में लॉक लगा हुआ है। बस मैं दूर से ही यहाँ पर, और अब मैं मंदिर से घर आ गई हूँ, और अब घर का भगवान जी जो है उनका पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मार्गशीर महीना का हर गुरुवार को मैं घर टेक में पानी लेती हूँ, उसके ऊपर नारियल रखती हूँ, और जो नया धान होता है, जो इस साल का नया धान अमल होता है, उसी धान का इस तरह का करके लाते हैं, और इसको मैं घट के ऊपर रख के उसको पूजा करती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन जो भी मुझसे होता है वही मैं कर लेती हूँ। और उसका मेन जो पूजा होता है उसको माणवसा पूजा बोलते हैं। मार्गशीर महीना का जो लास्ट गुरुवार होता है उस गुरुवार में जो पूजा किया जाता है उसको माणवसा पूजा किया बोलते हैं, और ये पूजा बहुत ही अलग तरीके से होता है, बहुत विधि विधान के साथ ये पूजा किया जाता है। ये पूजा मेरे ससुराल में होता है, और यहाँ पर मैं इस तरह से नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ। मैं राइट हैंड पूजा कर रही थी, फ्रेंड्स पूजा के बाद मेरा हल्का हल्का हेडेक हो रहा था, और मैं थोड़ा सा सोई थी, फिर खाना भी बना के सोई थी, पर दीदी के घर से फ़ोन आया। दीदी ने बोली कि तुम लोग आओ यहाँ पर लंच करने के लिए, मैंने सब कुछ बनाया है। तो अब हम दीदी के घर आ गए हैं, और ये दीदी का भगवान जी का रूम है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और भगवान जी के रूम के साइड में ही उसका ये पीछे के तरफ जाने का रास्ता है, और साइड में ये किचन है। किचन में लाइट नहीं दिया गया था, तो मैं बस ऐसे ही हल्का सा वीडियो ले गई हूँ। और ये उसका डाइनिंग हॉल है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो उसका नहीं लिया है, उसका घर का। मैं और कभी उसका घर जाऊँगी तो उसका घर का पूरा होम टूर आपको भी दिखाऊँगी, क्योंकि नया घर है, अभी सामान पूरा ठीक से अरेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, खाने में बना है कानी का, ओडिया घर में ये बहुत ही फेमस है, गुरुवार को बनता है। और ये है मिक्स घाटो, टमाटर का खट्टी मीठी चटनी, ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर, और ये है सलाद, दही का सलाद। और ये तो मेरी भाभी है, भाभी और मम्मी जो आए थे ये लोग यहाँ पर हैं, बीच में वो घर चले गए थे, अभी आए हैं। ये है दीदी, मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम नाइट सूट पहने हो आज व्रत में, वो बोल रही है कि हाँ मैं साड़ी पहनी थी, अब उतार के नाइट सूट पहन ली हूँ। और मैं खाऊंगी यहाँ पर पराठा और मिक्स वेज का जो सब्जी है। Thank you.
खाना पीना हो गया है, उन लोग का मस्ती भी हो गया है और अब आई हूँ मैं भाभीया से मिलने। इधर भाभीया सोई है क्योंकि वो दोपहर खाना खा के सो गई थी, फिर हम लोग आए थोड़ा सा लेट हम लोग आए थे। भाभीया इधर सोई है लेकिन हम लोग जाने से पहले उसको उठाएंगे फिर जाएंगे उसके साथ थोड़ा सा मिलकर। और सारे इधर पूरा रेडी हो गए हैं हम लोग के लेके जाने के लिए, बुला रहे हैं कि चलो जल्दी से। और हम लोग बात कर रहे थे तो मैं बोली ठीक है अब हम लोग चलेंगे, तो सबके साथ थोड़ा सा बाय करके चलेंगे। इधर भाभीया भी उठ गई है, सो के उठी है इसीलिए थोड़ा सा उसका मूड इतना फ्रेश नहीं है भाभीया का। और ये मेरी मम्मी है, आप लोग को मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था इनको, ये मेरी मामा है। और ये मेरी दीदी का घर का जो राइट साइड है उसकी बाउंड्री से उस तरफ का व्यू है। एक प्लॉट छोड़ के जो रास्ता दिख रहा है वो DRDO के तरफ से पूरा चांदीपुर से बालेश्वर का मेन रोड तक रास्ता निकल मतलब रास्ता बना रहे हैं, तो उसको क्लीन किया गया है। अब रास्ता बनेगा यहाँ पर, इसीलिए काफ़ी चौड़ा रास्ता बन रहा है, तो इस वजह से ये पूरा यहाँ पर खाली खाली। बाउंड्री की लेफ्ट तरफ घर है पर राइट साइड में इस तरह का व्यू है। और ये जो घर दिख रहा है बिना कलर वाला वही है दीदी का घर, और उसका लेफ्ट तरफ उधर सब घर है और राइट तरफ एक प्लॉट छोड़ के ये जो DRDO का रोड है बन रहा है ये है। तो काफ़ी चौड़ा रोड है ये, पूरा चांदीपुर से मेन रोड तक बन रहा है, बालेश्वर का जो मेन रोड है वहाँ तक टच हो रहा है। ये क्यों रो रही है भाभीया, क्यों रो रही है? क्योंकि भाभीया की मम्मी गाड़ी चलाना सीख रही है इसीलिए भाभीया रो रही है। और इधर है भाभीया की मम्मी, वहाँ दूर है। तो देखिया था मम्मी आ चुकी है। सब बड़े तो नहीं थे ना? ए मामा आ चुके हैं। This is so lame. कंडम बंद। गाजी दिया। एडगर का डांस। This is so lame. अग्रुट। हाँ से बढ़ गया। दूरियाँ जाए। नहीं पंद्रह होगा नहीं पंद्रह। है पारी बो पारी बो तुम्हें पारी बो। या हमारे स्कूटी की निकल गई। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।